दोस्तों कहते हैं कि टैलेंट और लगन हो तो किस्मत भी कभी ना कभी साथ दे ही देती है। कुछ ऐसा ही हुआ इंटरनेट सेंसेशन रानू मंडल के साथ। वो एक लाचार महिला थी जिनकी ताकत उनकी आवाज बनी। रानू का रेलवे प्लेटफॉर्म वाला वीडियो लगभग हर किसी ने देखा होगा, जिसमें वह अपनी मोहक आवाज में लता मंगेशकर का गाना एक प्यार का नगमा है गाती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद से आलम यह है कि हर कोई रानू के बारे में जानना चाहता है। अब कहा जा रहा है कि उनका असली नाम कुछ और है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं रानू के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद ही कोई जानता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जादुई आवाज वाली रानू मंडल पश्चिम बंगाल के रानाघाट की रहने वाली है। कई मीडिया रिपोर्ट्स तो यहां तक दावा कर रही हैं कि रानू का असली नाम रेनू रे है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि रानू मंडल पहले एक क्लब में गाना गाया करती थी, तब उन्हें लोग रानू बॉबी के नाम से जानते थे। रानू की शादी बबलू मंडल नाम के एक शख्स से हुई थी, तभी से वह रानू मंडल हो गई। शादी के बाद रानू मुंबई शिफ्ट हो गई थी। रानू की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अचानक रानू की जिंदगी में भूचाल सा आ गया। पति के निधन के बाद रानू अपने गांव रानाघाट वापस आ गई और यहां आकर उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। रानू ने तय किया कि वो अपने जीवन यापन के लिए अपनी आवाज को ताकत बनाएंगी। गरीबी का आलम यह था कि रानू को रेलवे स्टेशन पर कोने में बैठकर भीख मांगनी पड़ती थी। वो गाना गाती और रास्ते से गुजरते लोग उनकी आवाज सुनकर उन्हें कुछ पैसे या खाने की चीजें दे दिया करते थे। रानू की एक बेटी भी है। इस बेटी ने रानू का साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे अपनी माँ का रेलवे स्टेशन पर भीख मांगना पसंद नहीं था। रानू ने लगभग 10 साल ऐसे ही गरीबी के हालात में गुजारे और इन सालों में बेटी रानू के साथ नहीं थी। जब रानू एक वीडियो के साथ सोशल मीडिया सेंसेशन बनी तो 10 सालों बाद उनकी बेटी भी वापस लौट आई। एक मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि जब रानू 20 साल की थी तब क्लब में गाना गाया करती थी, तब उन्हें लोग रानू बॉबी के नाम से जानते थे। उन्होंने गाना सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि परिवार को रानू का ये काम कतई पसंद नहीं था। वहीं रानू ने कई सालों तक रेलवे स्टेशन के एक कोने में बैठकर गाना गाया और भीख मांगी। एक दिन अतीन्द्र चक्रवर्ती नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वजह से रानू की किस्मत पलट गई। अतीन्द्र ने रानू को लता मंगेशकर का गाना एक प्यार का नगमा है गाते हुए देखा और उनका वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इसके बाद की कहानी तो सभी को पता है। रानू इसी वीडियो के बाद इंटरनेट सनसनी बन गई। उनका ये वीडियो रातों रात ऐसा वायरल हुआ कि आज रानू बॉलीवुड सिंगर के तौर पर पहचान बना चुकी हैं। अब किस्मत कहें या रानू की प्रतिभा, दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। रानू ने हिमेश रेशमिया की फिल्म हैप्पी हार्डी और संधू से बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया है। उनके बारे में कई सेलिब्रिटीज के साथ साथ खुद हिमेश भी ये कह चुके हैं कि रानू को सुपरस्टार बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। अगर कहें कि सोशल मीडिया के जरिए चारों तरफ बस रानू ही रानू छाई हुई है तो गलत नहीं होगा। ऐसा हो भी क्यों ना, कम ही लोगों में होता है ऐसा हैरान कर देने वाला टैलेंट। तो दोस्तों रानू मंडल के इस टैलेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।